हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ फातिमा, और कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली दिस ब्यूटीफुल मैट स्मोकी आई मेकअप लुक। ये मेकअप बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस लुक को देखने में तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। शेडो के लिए मैंने यहाँ पे दो आई शेडो यूज़ करूँगी। एक तो ये सीज ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, ये जिसमें 9 शेड आपको मिलता है, और दूसरा है ये यू कैन बी का आई शेडो पैलेट फ्रूट पंच वाला। तो सबसे पहले मैं अपने आई के एंड पे टेप अप्लाई कर दूँगी ताकि हमें एक शार्प लुक मिले। आपको टेप बहुत ही अच्छे से अप्लाई मतलब शेप में अप्लाई करना है। उसके बाद यू कैन बी के आई शेडो पैलेट में से ये मैंने थोड़ा सा येलो शेड लिया हुआ है, इसको मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे हम एज अ ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे हमारी आईज फोल्ड होती है ना, तो वो हमारा क्रीज एरिया होता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर कोई मैट आई शेडो को अप्लाई करना होता है, वो हमारा ट्रांजिशन कलर होता है। और इसको मैं अपने सर्कुलर मोशन में अप्लाई करने के बाद बाद में इसको अच्छे से मैं ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट में से ये दोनों वार्म कलर का शेड लिया हुआ है। दो शेड को मैंने मिक्स करके अपने आउटर कॉर्नर पे इसको अप्लाई कर दिया है। सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, और आपको ना आई शेडो की मतलब फेड होने की भी कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने टेप अप्लाई किया था। जो टेप अप्लाई करेंगे ना, उससे आपको बहुत ही नीट एंड शार्प लुक मिलेगा आई मेकअप के एंड में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने क्रीज लाइन पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते जा रही हूँ सेम वॉर्म वाला शेड को। उसके बाद मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे और इंटेंसिटी चाहिए था आई शेडो की, इसकी वजह से मैं थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ, और जो शेड बच रहा था उसको मैं अपने क्रीज लाइन में भी अप्लाई करते जा रही हूँ। उसके बाद अब मैंने दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया हुआ है, ये इस पर कोई आई शेडो नहीं था, तो इसके मदद से मैं अपने पूरे आई मेकअप में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा आई मेकअप में कोई भी हार्शनेस ना दिखे। फिर उसके बाद वापस से मैंने थोड़ा सा वार्म शेड अप्लाई कर किया हुआ है। आपको अगर लगे कि अप्लाई करने की ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अब मैंने ब्लैक आई शेडो को लिया हुआ है, और एक पेंसिल ब्रश की मदद से इस तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ब्लैक वाला आई शेडो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेप्थ देना होता है हमारे आई मेकअप में। तो डेप्थ हम कोई भी डार्क कलर के आई शेडो से ही क्रिएट कर सकते हैं हमारे आई मेकअप में। डेप्थ देंगे तो हमारा आई मेकअप उठ के दिखता है। तो इस तरीके से हम अप्लाई करने के बाद में ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड भी कर देंगे। इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, फिर वापस से अप्लाई करेंगे, और फिर ब्लेंड करेंगे, जब तक आपको अपनी जो कलर की इंटेंसिटी नहीं मिल जाती कि हाँ मुझे मतलब अब बस इतना ही आई शेडो चाहिए, तो तब तक आपको अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। उसके बाद अब मैंने लोअर लैश लाइन के भी क्लोज इस तरीके से ब्लैक आई शेडो को अप्लाई कर दिया है। इस तरीके का आई मेकअप इन आजकल बहुत ट्रेंड में है, स्मज वाला आईलाइनर जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा है मेकअप लुक लगता है ये। और इसको अप्लाई करने के बाद में मैं वापस से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। तो जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा, कोई भी हार्शनेस वगैरह ना दिखेगी आपके आई मेकअप में। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते जाना है, और ब्लेंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है, ब्लेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेकअप में। उसके बाद अब मैंने यू कैन बी के आई शेडो पैलेट में से ये लाइट वाला येलो शेड लिया हुआ, और इसको मैं अपने सेंटर आईज़ पे इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने फेसेस कनेक्ट का काजल यूज़ किया हुआ है, इसको मैं अपने वाटर लाइन पर और अपने अपर लैश लाइन पर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको एक स्मोकी सा लुक मिले, आपको एक नेचुरल वाला आईलाइनर वाला इफेक्ट दिखे अपने अपर लैश लाइन पे। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है वाटर लाइन पे भी काजल। उसके बाद हम अपने काजल को अच्छे से स्मज कर देंगे ऑरेंज वाले शेड की मदद से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्रो बोन को अच्छे से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो हाईलाइट के निकले मैंने एक वाइट वाला शेड लिया हुआ है, मैट वाला शेड है, इसकी मदद से मैं अपने ब्रो बोन को और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ये आईलाइनर पेन स्टिक वाला आईलाइनर लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं अपने लैश लाइन के क्लोज एक बहुत ही सी पतली सी लाइन यहाँ पर मैं खाली एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जब मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई करूँ तो उसका बैंड विजिबल ना हो। तो इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे थोड़ा इनर वी बनाऊंगी इस तरीके से। इससे आपकी आईज़ ना काफ़ी बड़ी दिखती है और ओपन अप दिखती है, तो आप अगर कंफर्टेबल तो हो तो आप इसे ज़रूर क्रिएट कर सकते हो।
और ये वाला जो आई मेकअप है ना, आप इसे डे टाइम के फंक्शंस में भी आराम से क्रिएट कर सकते हो, हर आउटफिट पे चला जाएगा। उसके बाद अब मैं आईलैश कर्ल की मदद से अपने आईलैश को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ। इसकी मदद से आपकी आईलैश बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाती है। अगर आप फॉल्स आईलैश नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप मस्कारा भी लगा के छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मार्स का, अपने अपर लैश लाइन पे तो, और लोअर लैश लाइन पे मस्कारा कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। मस्कारा एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके मेकअप को और अच्छे से उठ के दिखाती है। तो आप देख सकते हो कि मेरी वाटर लोअर लैश लाइन पे इसने कितने अच्छे से मेरे लैश को ग्लो मतलब कोट कर दिया है, कितनी अच्छी वाली लैश दिख रही है मेरी। और यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा मैंने फॉल्स आईलैश अप्लाई कर दिया था। तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आई मेकअप पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे आई मेकअप की वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और मुझे सपोर्ट भी कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।